तारीख 3 दिसंबर 1971, समय शाम 5:30, जगह इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने हमले के आदेश दिए और हमला कर दिया गया। तीन दिसंबर को शाम 5:30 पाकिस्तान सरकार ने आदेश दिया भारत पर हवाई हमले का, और ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले दस्ते ने भारत पर आक्रमण के लिए उड़ान भर दी। पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुर और फरीदकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। सरगोधा से उड़ान भर के ठीक 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलावर जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ठीक 5 मिनट बाद श्रीनगर पर हमला किया गया। इसी वक्त अवंतीपुर बेस पर भी बम गिराए जाने लगे। 5:53 पर फरीदकोट में हवाई हमला करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने P-35 रडार नष्ट कर दिया। पहले हमले से भारतीय एयरबेसों को मामूली सा नुकसान हुआ। पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका। रात 10:30 तक अंबाला, आगरा, हलवारा, अमृतसर, उतरलाई, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज बम बरसाते रहे। अब बारी भारत के जवाब देने की थी। रात होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। ये ऑल इंडिया रेडियो की वही बिल्डिंग है और यही हैं वो गलियारे जहां से इस ऐतिहासिक युद्ध का ऐलान किया गया। और ठीक 9 बजे भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। ऑल इंडिया रेडियो पर जैसे ही हमारी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उसी वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान हो गया। करेज, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट विद व्हिच वी हैव फेस्ड दिस चैलेंज। इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए मुरीद, मियांवाली, सरगोथा, चांदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर के एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो ताकत थी ना उनके टैक्टिक थी। वो एक डेस्परेट एक्शन था। समझते थे कि चाइना और अमेरिका उनकी मदद करेंगे। हमारी तरफ से हम तैयार थे। उस वक्त जिस वक्त लड़ाई शुरू होने वाली थी, उस वक्त बिल्कुल तैयार थे बांग्लादेश में जाने के लिए। मैं तो उधरी था और मैं पैरा ट्रूपर था। हमारी पैरा बटालियन थी जिसको पूरी खबर थी चारों तरफ ऑपरेशन क्या होना है, क्योंकि हम वहीं ड्रॉप करते जहाँ पर हमें कमज़ोरी उनकी मिलती। तो वो मालूम था हमको कि ये जीत नहीं सकते हैं। और फिर हमारे जो टैक्टिक्स थे और जो हमने तैयारी की थी, मैंने पहली लड़ाइयाँ भी देखी, कभी ऐसी तैयारी नहीं देखी थी। कभी इतना यकीन हमारे दिल में नहीं था कि इतनी अच्छी तैयारी है हमारी कि हम हार नहीं सकते और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। देखते ही देखते घमासान छिड़ गया। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि 2 दिन से भी कम वक्त में उसका आकाश पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेजी पूरी तरह फेल हो चुका था। पाकिस्तान चाहता था कि वो पहले हवाई हमला करके भारत के एयरबेसों को तबाह कर दे, ताकि भारतीय वायुसेना अगले 6 दिनों तक उड़ान की तैयारी भी न कर सके। लेकिन ये मंसूबे फेल हो गए। इंडियन एयरफोर्स को मामूली नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान को भारी पड़ गया। जंग छिड़ चुकी थी। हवाई हमला करने का पाकिस्तानी मंसूबा बेहद खतरनाक था। वो चाहते थे कि हवाई हमलों से भारतीय वायुसेना की कमर तोड़ दी जाए, ताकि जब वो जमीनी आक्रमण करें तो कोई उन्हें विरोध का सामना न करना पड़े। लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही करवट लेनी थी। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई ये जंग 13 दिनों में ही खत्म हो गई। लेकिन ये 13 दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ गए। ये दुनिया की सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाई थी। इन 13 दिनों में पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। 3 दिसंबर को शुरू हुई लड़ाई 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गई।
80,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। इन सैनिकों के साथ 97,000 पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ साथ 1200 सिविल नागरिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश के संघर्ष की चिंगारियां तो उसी वक्त से सुलग रही थीं जब उर्दू को पूरे देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। बंगालियों को ये मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद कई राजनीतिक हादसों ने बंगाली जनता के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं रह सकते। पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं। इन लोगों के लिए बांग्ला अपनी माँ जैसी थी। इन बंगालियों की भावनाओं पर हथौड़ा चलाते हुए उर्दू को पूरे पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इस मुद्दे पर पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा आंदोलन हुआ। बंगला के फीलिंग थी, ये दोनों तरफ थी, जो हमारा बंगाल था उसमें उस वक्त बहुत बड़ी फीलिंग थी। जय बंगला, हर एक आदमी आपसे जय बंगला बोलता था और बंगला बंधु का नाम लेता था। वो आपस में उस वक्त जो फीलिंग अब है खराब, वो नहीं थी, वो बहुत अच्छी फीलिंग बन गई थी पूरे बंगाली। और एक्चुअली वो वॉर बंगाल और पंजाब की बन गई थी, जो पाकिस्तान का पंजाब था और बंगाली को वो बहुत बुरी तरह ट्रीट करती थी। 1970 में बांग्लादेश की आजादी की चिंगारी को एक गलत राजनीतिक फैसले ने हवा दे दी। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का था। पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ने आम चुनावों में 313 सदस्यों वाली पाकिस्तानी संसद में 167 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान का ये दावा जुल्फिकार अली भुट्टो को रास नहीं आया। उन्होंने शेख को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में तो सुसाइडल डिसीजन था, जो कि हर एक को समझना चाहिए था, क्योंकि फौज जो है, आपको पाकिस्तान की फौज में उस वक्त तो बहुत ज़्यादा एरोगेंस थी। वो तो किसी को समझते ही नहीं थे, अपने खुदा के बराबर समझते थे। तो बंगाली के तो बिल्कुल अपने पैर की जूती समझते थे। तो जो बंगाली वहाँ से छोड़ के आए, जो बाद में हमको मिले, मुक्ति पाने में मिल चुके थे, उनसे यही पता लगा कि उनकी कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि हर बात में उनकी कंटेम्प्ट समझते थे। बिल्कुल सही बात है, भुट्टो साहब की बहुत पॉलिसी खराब थी अपनी पावर लेने के लिए। भुट्टो ही साहब की पावर जाती, बाकी तो कुछ होता नहीं, आर्मी की तो वही पावर रहती। तो दोनों ने मिल के एक बैंक के बंगाली को हम पाकिस्तान का बादशाह कैसे बना दें, उनको कैसे डोमिनेंस दे दें। तो डेमोक्रेसी में तो उन्हीं को मिलती, क्योंकि तो सब उन्हीं की सीट थी। तो डेमोक्रेसी सपोर्ट करती और अपने मुल्क को भी डिवाइड करवाती। भुट्टो के इस फैसले का पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने भी समर्थन किया और बांग्लादेश में सेना को सड़कों पर बुला लिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बांग्ला जनता की आवाज को कुचलने का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में चुन चुन कर लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगी। ढाका की सड़कों पर अब सेना का कब्जा था। वो तो एक तो डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट चाहिए थी उनको, पाकिस्तान से हमेशा वहाँ खतरा था हमारे लिए। तो उन्होंने जो मदद मांगी और रिफ्यूजी पॉपुलेशन आना शुरू हुई, तो भारत को ये मजबूरी थी कि उसको लिबरेट करवाने में मदद करे। तो उन्होंने दुनिया में डिक्लेयर करके किया, तो छुपा के काम नहीं किया। मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग ज़रूर की कुछ लोग हमारे आदमियों ने, काफ़ी बाद में, लड़ाई होने से जस्ट थोड़े दिन पहले, लेकिन इसमें कोई छुपा हुआ वो नहीं था। और पाकिस्तान आर्मी का जो ऊपर से ऑर्डर थे और जो उन्होंने पहले भेजा था, जितने बुचर करने की कोशिश की, वो ऐसा कर खत्म कर दिया था, क्योंकि अगर मुल्क में वो रहना चाहते तो ये कार्रवाई नहीं करते। लेकिन उनका इरादा ही था कि इनको दबा के किसी तरह रखें या हट जाएं हम। तो भारत का इंटरवेंशन ज़रूरी था। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च की आधी रात को 1:30 पर गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया।